हे फैमिली, तो हम शॉपिंग करने के बाद आ चुके हैं घर, और घर आते ही मैं लग गई हूँ किचन के काम में। यहाँ पर मैं बनाऊँगी सबसे पहले पुलाव, क्योंकि अभी शाम के 7 बज चुके हैं तो मुझे बनाना है बहुत कुछ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। पुलाव बनाने के बाद मुझे चिकन भी बनाना है। ये देखिए, मैं बना रही हूँ चिकन। पुलाव और चिकन के साथ बर्थडे है तो कुछ मीठा भी होना बनता है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे गाजर का हलवा, जो कि ठंड के दिनों में ना काफ़ी टेस्टी लगता है, और मेरे यहाँ तो सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है गाजर का हलवा, तो मैं इसलिए आज गाजर का हलवा मीठे में बनाई हूँ। और साथ ही मैं गुलाब जामुन भी बनाऊँगी, तो यहाँ पर मेरे पास खोवा नहीं था इसलिए मैं रेडीमेड MTR गुलाब जामुन है उसी से मैं आज गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये देखिए मेरा टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन। हे फैमिली, तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, और खाना खाने के बाद हम लोग करेंगे केक कटिंग, तो बने रहिए वीडियो में। हे फैमिली, तो हम रेडी हो चुके हैं और डेकोरेशन हमारा वही एनिवर्सरी का है, तो देखकर नहीं चौंकिएगा, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी और इनके बर्थडे में ओनली 5 डेज का डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने डेकोरेशन वही रखा है। हे फैमिली, तो अब हम लोग करेंगे केक कट। तो मम्मी जी अभी कर रही हैं इनको तिलक, और साथ में ही हमारा पूरा फैमिली वीडियो कॉल पे है, वो लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी फैमिली तो इतनी दूर से आ नहीं सकती, लेकिन हम लोग आपस में ही इंजॉय कर लेते हैं और हर फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, और हमारी फैमिली हमारे वीडियो कॉल पर ही हमारा सपोर्ट कर देती हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं भी इन्हें तिलक कर रही हूँ, और ये बहुत खुश हो रहे थे, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे मैजिक कैंडल लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बट क्या हुआ ना कि वो अचानक से जल गया और मैं डर गई। इन्हें बहुत हंसी आ रही है, बट मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पे मम्मी जी और ये मिलकर केक कट कर रहे हैं। हमने ना रेड वेलवेट केक लिया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी टेस्टी होता है ना, तो मैंने बोला था रेड वेलवेट केक लेने को ही। फैमिली, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाए, और साथ ही कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।